हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। कौन बनेगा करोड़पति शो को दूसरा करोड़पति मिल गया है, ये कहना आप थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि शाश्वत 7.5 करोड़ के सवाल का गलत जवाब दे बैठे हैं। लेकिन आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ऐसा क्यों और कैसे, क्योंकि शाश्वत ने 1 करोड़ के सवाल का तो सही जवाब दिया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शाश्वत गोयल जिस सवाल का सही जवाब देकर 1 करोड़ की धनराशि जीती है, वो सवाल क्या था। अब अकेले शाश्वत ही क्यों दिमाग लगाए, आप भी थोड़ा जोर लगाइए। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि शाश्वत महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। वो बचपन से इस क्विज शो में आने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो काफी सालों से तैयारी भी कर रहे थे। नए प्रोमो में शाश्वत को रोते हुए भी दिखाया गया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ का सवाल का सही जवाब देकर अपने नाम के आगे करोड़पति का टैग जो लगवा लिया। तो जानिए क्या था वो सवाल। सवाल था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर स्तंभ किस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए शिशुनाग, बी गुप्त, सी नंद और डी मौर्य। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी यानी गुप्त। शाश्वत की इस जीत पर खुद बिग बी भी काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। जैसे ही उन्होंने सही जवाब का ऐलान किया, वो सीट से उठ खड़े हुए और शाश्वत के पास आकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बधाई दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे केबीसी का मंच गूंज उठा। ये ऐतिहासिक पल केबीसी के इतिहास में दूसरी बार आया है। सही जवाब बताने से पहले शाश्वत ने माँ को याद करने का सीन को दिखाया गया, जहां शाश्वत ने बताया था कि वो माँ के लिए ही करोड़पति शो में भाग लेने आए हैं। वो चाहती थी कि मैं इस शो में भाग लूं, लेकिन अब जब मैं यहां आया हूं तो इसे देखने के लिए मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस वजह से शाश्वत ने कैंपेनियन के तौर पर आए लोगों वाली सीट को खाली छोड़ दिया था, क्योंकि शाश्वत चाहते थे कि माँ का आशीर्वाद उनके साथ रहे। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल देखने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।